हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड, अगर आप आज अपनी कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो विश्वास रखें आगे चलकर आप मेहनत से ज्यादा कमाई कर सकोगे। If you are making more effort today than you earnings, then keep the faith you will be able to earn more than your effort in the future. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एनाटोले कोलिनेट मार्कोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एनाटोले कोलिनेट मार्कोसो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है इराक, कांगो, रवांडा, तंजानिया। इसका राइट आंसर है कांगो। कांगो गणराज्य की राष्ट्रपति डेनिस ससो नेगुएशो ने एनाटोले कोलिनेट मार्कोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? विच मिनिस्टर हैज रिसेंटली गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर्स? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यूड टू मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कॉरपोरेशन? ऑप्शन है नेपाल, ओमान, कतर, इराक। इसका राइट आंसर है ओमान। भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या हैज अप्रूव्ड द प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? Which of the following Indians has been appointed by the US President Joe Biden as the DG of the Department of Commerce? Option A, Arun Venkat Raman, Rahul Sachdeva, Anil Kumar Rai, Mohan Venkat Raman. Iska right answer hai Arun Venkat Raman. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? The Sports Ministry has decided to open a total of 143 Khelo India centers in how many states to nurture talent at the grassroots level? Option hai 10, 4, 7, 5. Iska right answer hai 7. खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? According to the Union Ministry of Women and Child Development, how many countries will the government open a one-stop center in its high commissions embassies? Option hai 6, 7, 8, 9. Iska right answer hai 9. केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। ऑप्शन है अमृत्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, प्रोफेसर सी एन आर राव। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर सी एन आर राव। प्रोफेसर सी एन आर राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? वो अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी हेल्थ ओपीडी पोर्टल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? Which Indian economist has recently been awarded the Princess of Asturias Award, Spanish highest award in the field of social science? Option hai Amrit Sen, Raghuram Rajan, Urjit Patel, Viral Acharya. Iska right answer hai Amrit Sen. हाल ही में अमृत्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? Which ministry has recently decided to set up a national mission to increase the use of biomass in coal-based thermal power plants? Option hai Vidyut Mantralay, Grah Mantralay, Raksha Mantralay, Swasthya Mantralay.
इसका राइट आंसर है विद्युत मंत्रालय। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैज डेवलप्ड स्मार्ट विंडो मटेरियल फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इन होम्स एंड बिल्डिंग्स? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? रिसेंटली द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वाज रीनेम्ड आफ्टर होम। ऑप्शन है मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, ध्यानचंद सिंह, अशोक कुमार। इसका राइट आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है सुबोध जायसवाल। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आईएएस ऑफ 1987 बैच एंड विच चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर आईई ओएसडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अरुण कुमार मेहता, बीवीआर सुब्रमण्यम, मोहन कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।